होगा। भारतीय जनता पार्टी में देखना, मैं 5 साल से लगातार जिस प्रकार जनता के बीच में हूँ, मेरे नेतृत्व को मेरे पल पल का की खबर है कि मैं जनता के साथ किस प्रकार का काम कर रहा हूँ, किस प्रकार विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। और सबसे पहले पहली लिस्ट में मेरा नाम आएगा और सिर्फ नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके आज पहली लिस्ट में नहीं अव्वल में ऊपर सब लिस्ट में भी सबसे ऊपर मेरा नाम देकर उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। अब तो सोचना उनको है जो कहते थे कि हमारी दोनों जेबों में टिकटें रखते हैं, एक में कांग्रेस की रखते हैं, बीजेपी की रखते हैं। उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए थोड़ी और उनको ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जनता के साथ इतनी झूठ बोलते हैं, इतना पाखंड करते हैं और इतना प्रेम करते हैं। अब जब थोड़ा सा उनको किसी ने कह दिया, किसी ने चला दिया साथी ने सोशल मीडिया में कि गठबंधन हो सकता है, तो बस बांछे खिल गई, नाचने लग गए। पिछली बार तो मैंने भगवान राम को टिकट दिया था, आपकी बार तो दोनों ही मैं दूंगा। भैया न पिछली बार आपने कुछ दिया, न आपकी बार देने लायक रहोगे। अब तो आप अपने तीर कमान संभालो, तीतर बकरी मारो, तीतर कबूतर मारो, तो आगे अपना आपका काम चल जाए। तो आपका देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, परमादरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को, आदरणीय अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी को, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौड़ साहब को और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र की नेता आदरणीय वसुंधरा जी को और समस्त पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को पहचाना, मुझ पर इतना भरोसा किया, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और जनता की तरफ से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो भरोसा हम पर किया है उस भरोसे हम खरे उतरेंगे। मैं मेरी पूरी जनता को, पूरे उदयपुर वाटी के बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, समस्त क्षेत्रवासियों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 2013 से लेकर 18 तक हमने एक शांति व्यवस्था कायम की, कानून का राज यहाँ कायम किया, एक तरह से उसको हम कह सकते हैं राम राम राज स्थापित करने की कोशिश की, मैं क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाता हूँ कि उससे भी कहीं बढ़कर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे, विकास के नया आयाम स्थापित करेंगे और उदयपुर वाटी का एक नया स्वरूप। अब चूंकि पिछली बार हमारे साथ जो नहीं था, आज वो एक नाम और जुड़ गया है, अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र में हमारी सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राजस्थान विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मैं जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी मजबूती के साथ, धैर्य के साथ और विश्वास के साथ मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें, ताकि आने वाला समय हमारा हो और पिछले 5 साल में जो गुंडा राज, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार हुआ है उसको हम जड़ से खत्म कर दें, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपसे कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लोग, न अलायंस कभी था, न है, न होगा। अलायंस वो लोग करते हैं जिन्हें कहीं कमजोरी नजर आती है, जिनका धरातल कमजोर होता है। अलायंस कांग्रेस करेगी क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम 150 से पार सीटें जीतने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी को अलायंस करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक भी दिन इस बात पे विश्वास नहीं किया किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं होगा। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, सुखकर चौधरी ये सोच रहा है, सुखकर चौधरी वो सोच रहा है। मैं सारे पत्रकार मेरे, आप मेरे भाई हो, मित्र हो, हमेशा मैं आपसे मिलता रहता हूँ। जब भी आपने पूछा मैंने कहा कोई अलायंस नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में देखना, मैं 5 साल से लगातार जिस प्रकार जनता के बीच में हूँ, मेरे नेतृत्व को मेरे पल पल का की खबर है कि मैं जनता के साथ किस प्रकार का काम कर रहा हूँ, किस प्रकार विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। और सबसे पहले पहली लिस्ट में मेरा नाम आएगा और सिर्फ नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके आज पहली लिस्ट में नहीं अव्वल में ऊपर सब लिस्ट में भी सबसे ऊपर मेरा नाम देकर उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। अब तो सोचना उनको है जो कहते थे कि हमारी दोनों जेबों में टिकटें रखते हैं, एक में कांग्रेस की रखते हैं, बीजेपी की रखते हैं। उन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए थोड़ी और उनको ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जनता के साथ इतनी झूठ बोलते हैं, इतना पाखंड करते हैं और इतना प्रेम करते हैं। अब जब थोड़ा सा उनको किसी ने कह दिया, किसी ने चला दिया साथी ने सोशल मीडिया में कि गठबंधन हो सकता है, तो बस बांछे खिल गई, नाचने लग गए। पिछली बार तो मैंने भगवान राम को टिकट दिया था, आपकी बार तो दोनों ही मैं दूंगा। भैया न पिछली बार आपने कुछ दिया, न आपकी बार देने लायक रहोगे। अब तो आप अपने तीर कमान संभालो, तीतर बकरी मारो, तीतर कबूतर मारो, तो आगे अपना आपका काम चल जाए। तो आपका सबसे पहले उदयपुर वाटी की जनता के घर घर में नल के माध्यम से कुंभा लिफ्ट का जल पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा काम है जो मैं करके रहूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा काम है और ये सबसे बड़ी जरूरत है उदयपुर वाटी।
हमारा बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में सबको मांगने का अधिकार है। अब मेरे सारे साथी हम सबने संकल्प ले रखा है कि जिस किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी, सारे मिलकर हमने सबने कसम खाई है कि हमारा कमल का फूल हमारा निशान है, वही हमारा नेता है और कमल का फूल सबका नेता है। हम सब मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और मैं सब सारे साथी को मुझे बहुत भरोसा है। कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कल सुबह पेटियां रख दी जाए मतदान केंद्र पर और हम मोदी जी के कमल के फूल को इतना उदयपुरवाड़ी में खिला दें, इतना फैला दें कि उसकी खुशबू आज ही दिल्ली तक पहुंच जाए। कार्यकर्ता बिल्कुल पंगू सरकार के खिलाफ इतना जोश लिए बैठा है, दिल में इतनी आग उन्होंने पाल रखी है, वो मैं समझता हूँ 23 तारीख का इंतजार करने में भी बड़ी मुश्किल से उनको रोक पाऊंगा और कार्यकर्ता इस बात का निर्णय करेंगे और आपके सामने 23 तारीख को रिजल्ट देंगे। इस बात उदयपुरवाड़ी की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपके भरोसे मुझ पर भरोसा किया है, आप भी उस भरोसे में मेरे सहयोगी बने। है मेरे क्षेत्रवासियों, आज के बाद 23 नवंबर तक एक एक व्यक्ति, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा, माता, बहन, सब लोग अपने आप को शुभकर्ण चौधरी समझकर हाथ में कमल का फूल लेकर इस भरोसे के मोदी जी के विश्वास को इतना मजबूत कर दें कि 23 नवंबर को हमारे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति लाइन में खड़ा होकर वोट डालने के बारे में सोचे नहीं। और आप एक एक व्यक्ति मेरी तरफ से इस बात का भरोसा दिला सकते हैं जनता को कि कार्यकर्ता बंधुओ, आपके द्वारा एक भी बात जनता के बीच में कही जाएगी उसको पूरा करना ही शुभकर्ण चौधरी का संकल्प है, ऐसा मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।